हेलो एवरीवन, मायसेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ बेसिक ऑफ एलजेब्रा। पॉलिनोमियल्स के लिए सबसे पहले एलजेब्रा में आप समझना है कि मेरा कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आपका जो कांस्टेंट है, जो आपका फिक्स नंबर होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो हमारा कांस्टेंट होता है। जैसे मैंने लिखा है कि 4x³। तो अब इसमें जो मेरा कांस्टेंट नंबर है, ये आपका 4 जो है ये तो आपका कांस्टेंट है, और x³ जो है ये मेरा वेरिएबल है। अब इसमें जो आपके जो वेरिएबल मीन्स है इसकी वैल्यू बदल सकती है, पर 4 की वैल्यू कोई भी बदल नहीं सकती। तो इसको हम जो है कांस्टेंट पार्ट बोलते हैं और इसको हम वेरिएबल पार्ट बोलते हैं। अब मुझे कोई भी एलजेब्रिक, अब जैसे ये मेरा टर्म है 4x³, तो इसके यहाँ बीच में जो साइन है आपका वो मल्टीप्लाई का साइन है। इसको मतलब मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा तो 4x³ लिखा जाएगा। ये ऐसे ही आपने 3x²y लिखा है तो इसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगी 3x² और y। तो इसमें देखो ये आपके दो टाइप के वेरिएबल हैं, एक आपका ये वेरिएबल अलग है, ये आपका वेरिएबल अलग है, और ये मेरा कांस्टेंट पार्ट है। तो ये होल पार्ट आपका वेरिएबल बोला जाएगा और ये मेरा कांस्टेंट। अब आपके ये जो जिनके मिडिल बीच में, यदि मेरे इनको हम देखेंगे तो इनको हम टर्म्स बोलते हैं, और इन टर्म्स को हमेशा हम क्या करेंगे, प्लस या माइनस साइन से इनको सेपरेट कर दें अलग अलग। जैसे मेरा ये 4x³, ये मैंने एक अलग लिखा हुआ है, इसे मैंने यहाँ प्लस डाल दिया और यहाँ पर मैंने 3x²y लिख दिया। तो ये मेरे आपके अलग, ये अलग वेराइटी का टर्म है, ये आपका अलग टर्म है, तो ये मैं इनको टर्म्स बोलूँगा अलग, और इसमें मेरे टर्म्स हो जाएंगे 2। यदि इनके बीच में आप देखो, यहाँ पर आपका ये 3 अलग था, x² अलग था y, पर उनके मिडिल में प्लस माइनस का साइन नहीं था, तो मैंने इसको एक ही टर्म कंसिडर किया था, ये मेरा 1 टर्म बोला जाएगा और ये हमारा 2 टर्म्स होंगे। तो आपके जो टर्म्स हैं, मतलब आपके जो कांस्टेंट पार्ट है, जो भी आपका कांस्टेंट है और वेरिएबल्स हैं, यदि आप इनको प्लस या माइनस साइन से, इनको हम कॉम्बिनेशन लिखते हैं प्लस या माइनस साइन यूज करके वेरिएबल्स को, तो उसी को बोलते हैं हम एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमारा ये जो बोला जाएगा मेरा, वो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इनको प्लस या माइनस से। तो अब इसमें जो पॉलीनोमियल है कि आपका जो पॉलीनोमियल क्या होगा, तो इसमें पॉलीनोमियल मींस एनी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट द वेरिएबल, जो इसके अंदर वेरिएबल होते हैं, बट नॉट नेगेटिव एक्सपोनेंट। जो पावर होती है उसका, जो एक्सपोनेंट होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी एक तो, और दूसरा आपकी वो फ्रैक्शनल नहीं होगी, मतलब आपकी फ्रैक्शन में नहीं होगी। जैसे मैंने x की पावर 3/2 लिख दिया, तो ये आपका पावर यहाँ पर फ्रैक्शन में, तो ये मेरा पॉलीनोमियल नहीं होगा। तो ये मैंने यहाँ लिखा x प्लस x की पावर -1, तो ये मेरा पॉलीनोमियल नहीं होगा। आपने लिख दिया 4√x + 3, तो रूट एक्स किसका मतलब भी मेरा क्या होता है, x की पावर हाफ, तो ये भी मेरा पॉलीनोमियल नहीं होगा। अब पॉलीनोमियल में आपके आते हैं टर्म्स। अब मैंने एग्जांपल लिया हुआ है आपका कि 4x³ + 3x² + 7x + 10। अब इसमें आपके जो देखो, यहां पर ये आपका अलग टर्म है, ये आपका अलग टर्म है, ये आपका अलग टर्म है, और ये अलग टर्म है, तो वो कह रहा है कि इसके टर्म्स को सेपरेट कर दो। तो मेरा जो टर्म है ये 4x³, ये आपका अलग है विद साइन, ये प्लस का है तो इसलिए 3x², ये आपका अलग टर्म है, ये आपका 7x, ये आपका अलग टर्म है, और ये 10 आपका अलग टर्म है। अब इसमें जो आपके जो टर्म्स हैं, इनको आपने अलग अलग लिखा है। अब इस टर्म्स में पूछता है कि वो कोफिशियंट्स, तो कोफिशियंट मेरे इसमें क्या होंगे, कोफिशियंट जो होते हैं आपका कॉन्स्टेंट पार्ट ऑफ द टर्म, उस टर्म का कॉन्स्टेंट पार्ट जिसका मैं कोफिशियंट पूछूंगा, मैं कहता हूँ कोफिशियंट ऑफ x². तो आपने वो देखना है कि पहला टर्म वो कौन सा है जिसमें मेरा x² आ रहा है। तो देखो मेरा ये टर्म x² का टर्म है, तो इसमें जो कांस्टेंट पार्ट है मींस
आप एक्स स्क्वायर को हाइड कर दो, इसको जो मैं हाइड कर दूंगा तो देखो मेरे को केवल 3 दिखाई दे रहा है, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट विल बी 3। अब मैं कहता हूं कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, तो मैं देखूंगा मेरा कांस्टेंट जो एक्स क्यूब है वो किस टर्म में आ रहा है, तो देखो मेरा वो इस टर्म में आ रहा है जो मैंने इसको डबल सर्कल से दिखाया है, इसमें मेरा एक्स क्यूब आ रहा है। अब इसमें जो कांस्टेंट पार्ट मींस एक्स क्यूब को देखो मैंने हाइड किया इधर से, तो आपको क्या दिखाई देगा, केवल 4। तो मींस कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब दैट विल बी इक्वल टू 4। तो हम इस तरह से जिस टर्म का हमने कोफिशियंट देखना है उसमें उस टर्म को मतलब उस वैल्यू को हम हाइड कर देंगे, और उसके अलावा जो भी दिखाई देगा दैट विल बी कोफिशियंट, तो उसको हम जो है कोफिशियंट बोलते हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें आपका केवल वन टर्म होता है, अब मैं पहले पॉलिनोमियल टर्म्स के लिए, अब मैं टर्म में जो देखता हूं तो मेरे जो टर्म हैं वो आपके लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, दो तरह के आपके टर्म्स होते हैं, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स में आपका क्या होता है, सेम वेरिएबल, आपका जो वेरिएबल होगा वो आपका सेम वेरिएबल होगा और विद सेम एक्सपोनेंट, विद सेम एक्सपोनेंट, उसका एक्सपोनेंट भी सेम होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 4x³, 3x³ या आपका -7x³। तो देखो यहां पर मेरा जो वेरिएबल है वो x³, यहां पर भी आपका ये x³ और यहां पर भी, तो इसमें जो है हमारा जो वेरिएबल पार्ट है वो आपका सेम वेरिएबल होगा, तो x वेरिएबल है और पावर भी उसकी सेम है, तो ये मेरे लाइक टर्म है। अब मैंने ये नेक्स्ट एग्जांपल लिया 4x²y - 3xy² - 4x²y। तो अब देखो यहां पर मेरा एक्स स्क्वायर और वाई, ये मेरा देखो वेरिएबल सेम है और यहां पर ये वेरिएबल सेम है, यहां मेरे वेरिएबल सेम तो है परंतु देखो पावर में वो डिफर कर रहे हैं, यहां पर x की पावर 1 है, यहां x की पावर 2 है और यहां पर मेरी x की पावर 2 है वाई। तो इट मींस ये दोनों जो होंगे वो आपके लाइक टर्म होंगे और ये मेरा इनसे अनलाइक टर्म होगा, तो आपका लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। अब आपने कोई भी अनलाइक टर्म्स हैं और उन टर्म्स को हमने काउंट करना है यहां पर, तो यदि आपके पास केवल वन टर्म आता है मींस दैट विल बी मोनोमियल, इसका नाम क्या होता है, मोनोमियल नाम होता है जिसमें एक होता है, जिसमें आपके टू टर्म्स होते हैं तो उसको बोलते हैं हम बाइनोमियल, बाई मींस दो होता है और नोमियल का मतलब आपका टर्म्स जिसके अंदर टू टर्म्स होंगे, बाइनोमियल आ जाएगा वो। और आपके जिसके अंदर आपके थ्री टर्म्स होते हैं तो आप उसमें जो बोलेंगे इसको हम ट्राइनोमियल, जिसको हम जो है ट्राइनोमियल जिसमें थ्री टर्म्स हैं, तो ये आपका ट्राइनोमियल हो जाएगा। और उसमें मींस आर पॉलिनोमियल कंटेनिंग फोर टर्म्स, और उसके बाद हम इसको क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मींस जिसमें मोर देन, वैसे तो हम इसको भी पॉलिनोमियल नहीं मींस मोर देन वन टर्म, पर इनका जो स्पेसिफिक नेम है तो ये है, और उसके आगे जो हम बोलते हैं उसको पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल। तो अकॉर्डिंग टू टर्म जो हमको क्लासिफाई करते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसके बाद आपका पॉलिनोमियल। अब मैं डिग्री को जो पहले डिग्री डिफाइन करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय डिग्री, डिग्री हमारी क्या होती है, तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो भी आपका वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री बोलते हैं। जैसे कि मैं यहां देखता हूं तो मेरा जो वेरिएबल है वो आपका देखो एक्स वेरिएबल है, तो यहां पावर 1 है, यहां 2 है, 3, तो मेरी ये जो पावर है वो हाईएस्ट पावर है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, आपकी डिग्री इसके पॉलिनोमियल की आपकी 3 होगी। और डिग्री कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होती है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती, तो ये नोट करना, हमेशा ये आपका होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। अब मैंने कोई दूसरा टर्म लिखा है एक्स पॉलिनोमियल रखा है, तो एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 7x² माइनस 3x। अब मैं यहाँ देखता हूँ वेरिएबल मेरा एक है, यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 1 है, इट मीन्स हाईएस्ट जो पावर है वो 5 है, इट मीन्स इसकी जो डिग्री होगी वो आपकी 5 होगी, तो जो हाईएस्ट पावर होती है हम उसको डिग्री बोलते हैं। अब जो अकॉर्डिंग टू टर्म आपने जो इसको क्लासीफाई किया है
वन टर्म होगा तो मोनोमियल, टू टर्म्स होंगे तो बाइनोमियल, थ्री टर्म्स होंगे तो आपका ट्राइनोमियल, और उसके बाद आप बोलते हो उसको पॉलिनोमियल की डिग्री जो है कि उसके अकॉर्डिंग मेरा पॉलिनोमियल कितने टाइप के हो सकते हैं, किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अब उसमें फर्स्ट जो आपका होता है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, तो इसमें जो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है इसकी जो आपकी डिग्री होगी दैट विल बी जीरो, उसकी डिग्री आपकी जीरो होती है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल में, क्योंकि वहां केवल कॉन्स्टेंट पार्ट होता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया फोर आपका, तो केवल यहां देखो वेरिएबल कोई नहीं, केवल कॉन्स्टेंट पार्ट है। मैंने यहां पर कोई भी लिखा है सेवन या माइनस सेवन, तो केवल कॉन्स्टेंट पार्ट है, यहां कोई भी डिग्री नहीं है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री मेरी जीरो है और इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। अब जिसकी डिग्री आपकी वन होती है तो उसको हम बोलते हैं, डिग्री आपकी वन होगी तो दैट इज लीनियर, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉलिनोमियल कंप्लीट उससे कल मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो जिसकी डिग्री जैसे मैंने लिखा है कि 4 प्लस 3x, अब देखो यहां मेरी पावर इसकी 1 है केवल, तो इसका मतलब ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है। अब जिसकी डिग्री आपकी 2 होती है उसको बोलते हैं हम जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैंने एग्जांपल लिया देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, या मैंने ओनली एक्स स्क्वायर, या 4x स्क्वायर माइनस 7x। अब यहां देखते हो तो देखो हाईएस्ट पावर आपकी 2 है, यहां भी आपकी हाईएस्ट पावर 2 है और यहां पर भी आपकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री मेरी 2 है, तो इसका मतलब ये मेरा क्या बोला जाएगा क्वाड्रेटिक, ये मेरे सभी जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल हैं, तो इसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, तो जिसकी डिग्री 2 होती है। अब जिसकी डिग्री आपकी 3 आती है तो जिसकी डिग्री 3 होगी उसको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x क्यूब, तो इसकी डिग्री देखो आपकी 3 है, मैंने लिख दिया 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस 7x, तो आप इसकी डिग्री देखोगे दैट इज 3। इट मीन्स ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपका अकॉर्डिंग टू डिग्री हम इसको यदि डिफाइन करेंगे तो आपका कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 4 होती है उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे एक एग्जाम्पल दो जो बाइनोमियल हो, तो अब देखो मुझे बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है, तो इसका मतलब मेरे पास बाइनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म मेरे पास दो टर्म होने चाहिए, और मैं कहता हूँ हैविंग डिग्री 10, जिसकी डिग्री 10 होनी चाहिए। इट मीन्स मुझे वेरिएबल जो भी यूज़ करना है, एक ही टाइप का आप वेरिएबल यूज़ करोगे, या तो एक्स या आपका वाई या टी, कुछ भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। तो आपका मैं कह रहा हूँ कि मेरे को एक्स वेरिएबल यूज़ करो, तो मुझे डिग्री आपकी क्या चाहिए 10, तो आपकी जो हाईएस्ट पावर है एक्स की वहाँ उसमें 10 होनी चाहिए। कम से कम आप कुछ भी पावर लिख सकते हो, उसमें आप जीरो का टर्म भी लिख सकते हो, और टर्म मैक्सिमम आपके 2 होनी चाहिए। तो मैंने देखो x की पावर 10 ये हाईएस्ट, अब उससे कम वाला कुछ भी चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, क्योंकि टर्म हमेशा प्लस या माइनस से सेपरेट होते, मल्टीप्लाई से नहीं होंगे। तो माइनस मैंने यहाँ पर लिख दिया 9, तो ये मेरा बाइनोमियल का एग्जांपल है, क्योंकि 2 टर्म्स हैं, एक कांस्टेंट टर्म है, एक आपका वेरिएबल वाला पार्ट है, और इसकी डिग्री मेरी 10 है। तो हम इस तरह से हम कोई भी एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हैं। तो अभी एलजेब्रा में जो बेसिक था आपका कि हमारा कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं या कोफिशियंट्स क्या होते हैं, तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि हमारे जो पॉलिनोमियल है वो क्या होता है। तो सबसे पहले देखो आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, अब आपने बताना है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। तो मैंने देखो पॉलिनोमियल में बताया था कि कभी भी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और आपकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ वेरिएबल में मेरी कोई भी पावर नेगेटिव भी नहीं है और फ्रैक्शन में, इट मीन्स ये मेरा पॉलिनोमियल है। अब मैं देखो इस सेकंड पर देखता हूँ, तो यहाँ मेरी देखो x की पावर जो फ्रैक्शन में है तो आपका ये पॉलिनोमियल नहीं है आपका। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ मेरी कोई भी जो है वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं है, नहीं आपकी नेगेटिव है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल है। अब यहाँ देखते हो तो देखो x जो है रूट एक्स, रूट एक्स का मतलब हमारा क्या होता है कि x की पावर जो है वो हाफ, तो ये फ्रैक्शन में पावर है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहां देखते हैं तो देखो मेरा यहाँ पर कोई भी पावर नेगेटिव भी नहीं है और आपका फ्रैक्शन में नहीं है, तो मींस ये भी मेरा पॉलिनोमियल है, और यहां मेरा वेरिएबल टी है, तो देखो ये भी मेरा पॉलिनोमियल है।
तो आपके ये जो हैं दोनों पॉलिनोमियल नहीं है और ये मेरे पॉलिनोमियल हैं। अब मैं आपको दूसरा, मैंने बताया था कि कोफिशियंट्स क्या होते हैं, तो मैं अब देखो फर्स्ट इस एग्जांपल में आपसे कह रहा हूँ कि व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स। तो अब आपका कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो ये आपने देखना है कि इसमें मेरा जो कोफिशियंट है एक्स का, कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो एक्स मेरा किस टर्म में आ रहा है। तो मेरा देखो यहां पर जो टर्म है वो एक्स है, तो अब इसमें आपका विद साइन हमने को एक्स को यहां से आप हाइड कर दोगे, तो एक्स को हाइड करें तो क्या दिखाई देगा मेरे को, प्लस का 12, तो इसमें जो कोफिशियंट ऑफ एक्स है दैट इज प्लस 12, तो ये आपका 12 आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी, अब मैं कहता हूं मुझे इस एक्सप्रेशन में आप कोफिशियंट ऑफ टी स्क्वायर, तो कोफिशियंट ऑफ टी स्क्वायर, तो मैंने देखना है मेरा टी स्क्वायर आपका देखो यहां आ रहा है, तो अब मैंने टी स्क्वायर को यहां से देखो हाइड किया तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, प्लस का 7, तो यहां मेरा जो इसका कोफिशियंट होगा वो आपका प्लस का 7 होगा। अब मैं इसी प्रॉब्लम में कहता हूं कि व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ टी 5, तो टी 5 देखो मेरा यहां पर आ रहा है, तो ये मेरा पूरा टर्म टी 5 का है, अब मैं इसमें से टी 5 को हाइड करूंगा तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, माइनस का 8, तो इसका जो कोफिशियंट है दैट इज माइनस 8, तो इस तरह से आप कोफिशियंट चेक करोगे। अब मैंने बोला कि आपका ये पॉलिनोमियल है, ये तो मेरे पॉलिनोमियल है ही नहीं इसमें से, तो अब मैं अकॉर्डिंग टू डिग्री कहता हूं, तो आप इसकी मुझे डिग्री बताओ क्या होगी, तो देखो इसमें एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2, तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री आएगी वो आपकी 2 आएगी। नेक्स्ट मैंने आपको बोला है कि इसमें मेरी डिग्री क्या होगी, तो देखो एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो आपकी 4 है, तो इसमें डिग्री आपकी 4 आ जाएगी। इसमें देखते हैं तो तुम्हारी देखो हाईएस्ट जो पावर है वो 5 है, तो मीन्स इसकी डिग्री आपकी 5 होगी, और इसमें भी देखो हाईएस्ट पावर आपकी 5 है, तो इट मीन्स इसमें भी आपकी डिग्री 5 हो जाएगी। तो आप डिग्री के अकॉर्डिंग आप पॉलिनोमियल की डिग्री इजीली इस तरह से बता सकते हो। अब मैं कहता हूँ इसमें मुझे टर्म्स बताइए आप, टर्म्स कितने हैं, तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पर मेरे अनलाइक टर्म्स, तो ये भी आपका अलग अलग टर्म है सभी, तो 1, 2 एंड 3, तो इसके अंदर मेरे 3 टर्म्स हैं, 1, 2 एंड 3 इसके अंदर भी मेरे 3 टर्म्स हैं, 1, 2 एंड 3 इसके अंदर भी 3 टर्म्स हैं, और 1, 2, 3 एंड 4 इसके अंदर मेरे आपके 4 टर्म्स हैं, तो आप इस तरह से आप टर्म देख सकते। अब मैंने देखो नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, मैंने आपको बताया था लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, तो मैंने कुछ यहाँ टर्म्स लिखे हैं, 3xy 4x² -7x³ -2x² -3xy4x, तो वो कह रहा है कि सेपरेट द लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म में बताया था कि जिनके वेरिएबल सेम होते हैं उनकी पावर सेम होती है, तो देखो एक्स वाई मेरा वेरिएबल है, और देखो कहां पर एक्स वाई, यहां पर एक्स वाई, इट मींस ये जो आपके दोनों टर्म होंगे दीज आर लाइक टर्म। अब मैं देखता हूं कि मुझे दूसरा कौन सा है, एक्स स्क्वायर है, देखो तो एक्स स्क्वायर का मेरा यहां टर्म है जिस पे मैंने एरो डाला हुआ है, और देखो एक मेरा एक्स स्क्वायर का ये टर्म है, इट मींस ये मेरे दोनों लाइक टर्म है, ये मेरा ये लाइक टर्म है और इसमें ये है, और अब नेक्स्ट आपका है दिस, तो ये मेरे दोनों अनलाइक हैं क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल आपका एक्स जरूर है पर उसकी डिग्री क्या है 3, तो उसमें जो वेरिएबल होता है और एज वेल एज उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए, तो हम उनको बोलते हैं लाइक टर्म। तो आपको इससे मैंने जो अभी डिस्कस किया है उससे आपका ये क्लियर होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द ऑपरेशन ऑन एलजेब्रा।